सो गाइज, ये है गार्नियर स्किन नेचुरल्स सीरम मास्क शकुरा वाइट सुपर हाइड्रेटिंग पिंकिश ग्लो टिश्यू मास्क, इतना सारा लिखा है इन्होंने। और ये क्लेम करते हैं कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और आपको पिंकिश ग्लो देगा, आपका जो डल स्किन है, लैक ऑफ ग्लो है, वो वापस लेके आएगा। वन मास्क इज इक्वल टू वन वीक ऑफ सीरम, इन्होंने ऐसा यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। शकुरा इट मींस कि जो भी यहाँ पे फ्लावर पैकेजिंग पे आप देख सकते हो ना, ये फ्लावर को शकुरा फ्लावर शायद कहा जाता है इस वजह से। और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत सही है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। इसकी प्राइस देखोगे तो यहाँ पे 99 रुपीज़ लिखा हुआ है और 32 ग्राम की क्वांटिटी है। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया है कि इसको कैसे यूज़ करना है। रही बात पैकेजिंग की, तो ठीक ठाक पैकेजिंग है, जैसे होती है वैसे पैकेजिंग है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये जो भी लिखा है ये असर करता है कि नहीं। तो चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके गाइस, सो अभी मैं अपने हेयर को पिन अप कर रही हूँ एंड देन आई वॉश माय फेस विथ दिस गुड वाइब्स के फेस वॉश से। फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है मास्क ट्राई करने से पहले, तो अभी मैं फेस वॉश करके आ जाती हूँ। देन यूज़ अ टोनर, टोनर भी यूज़ कर सकती हूँ इफ़ यू डोंट वॉन्ट, देन यूज़ रोज़ वाटर, बट स्टिल जस्ट हाइड्रेट योर फेस। ऑलरेडी हाइड्रेशन होने वाला है बट स्टिल आप यू नो टोनर या कोई भी रोज़ वाटर यूज़ करके फिर ये शीट मास्क ट्राई करना। अब हम लेंगे अपना शीट मास्क जो कि हीरोइन है ऑफ दिस वीडियो, एंड द पैकेजिंग इज़ नाइस गुड जैसा कि मैंने आपको कहा, और ये कैमरे की नज़र में नहीं आ रहा है। ओके सो थोड़ा सा यू नो या जस्ट एक लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू टियर द पैकेजिंग, एंड नाउ द स्मेल इज़ आई डोंट थिंक ऐसा है बट लिटिल बिट ऑफ गुड। एंड या द प्रोडक्ट इज़ हेयर, और मेरे हाथ में अभी से सीरम लगना स्टार्ट हो गया था। आई एम स्मेलिंग इट बट मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आ रहा था। इट्स गुड, क्वाइट गुड स्मेल बट नॉट अ लॉट। एंड या हियर इज़ द हीरोइन, बहुत सारा इसमें सीरम है, मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए। मतलब इट्स अ थिक स्टिकी और आई डोंट नो बट बहुत ज़्यादा इसके अंदर सीरम है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे पूरे हैंड में सीरम लग गया था, मेरे पूरे फिंगर्स टिप में सीरम लग गया था, तो मैंने उसे ना अच्छी तरीके से अपने नेक पर लगा लिया। एंड अभी मैं अपने बालों को पीछे कर रही थी, एंड अब हम यू नो इसे ओपन कर लेंगे। पूरा चिपका हुआ था, मतलब या मुझसे उल्टा ओपन हुआ, बट स्टिल अब हम इसे लगा लेंगे। एंड हियर वी गो। और ये ना मुझसे लग नहीं रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, ये लग नहीं रहता था। और यहाँ पे इसको लगाते ही मेरा कैमरा ना, आई डोंट नो इसको क्यों कलर का प्रॉब्लम है, कुछ भी फेस पे लगाओ और ये ऐसा हो जाता है। सो या सजेस्ट मी समथिंग गाइस। और ये ना पहले तो मेरे फेस पे सेट ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा मेरा फेस बहुत छोटा है। देन आई थॉट कि पहले इस के कवर को हटाते हैं, देन आई थॉट क्या अब सेट हो जाएगा, तो अब ये थोड़ा बहुत सेट होने लगा फेस पर। एंड अभी भी मुझे बहुत टाइम लगा इसे सेट करने में। एंड या फिर अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो इसके साइड्स में ना ऐसे कट मार्क दिया हुआ है, सो डैट आप अपने ना ईयर के ऊपर भी इसे फंसा सकते हो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा छोटा है। उससे क्या होगा ना, ये जो मार्क है वो स्लिप ही नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं और आपके फेस पर फिट बैठेगा, तो कंफर्टेबली आप यू नो इसे लगा सकते हो। और ये जो इसका कवर था ना, इसमें बहुत ज़्यादा सीरम था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सो यू नो मैंने इसको फुल यूटिलाइज़ किया, मैंने इसको अपने हैंड पे नेक पर लगाया एंड आई जस्ट यूटिलाइज इट। देन यू हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स, और यहाँ पर मैं ना वेट मैं कर रही थी, बट स्टिल मैंने जो रिव्यू वीडियोस देखे थे उसमें से सीरम ऐसे से गिरता है, तो मुझे भी लगा कि इसमें भी लेफ्ट ओवर सीरम होगा, बट इसमें से सीरम गिर नहीं रहा था। बट स्टिल पैकेट के अंदर बहुत सारा सीरम बचा हुआ था, तो मैं उसको भी लेकर ना अच्छे तरीके से अपने हैंड पे और अपने नेक पर मैंने लगाया इसे, मगर इस तरीके से मुझे लगा गिरेगा बट सीरम नहीं था उसमें, बट कोई बात नहीं। तो ये आफ्टर 15 मिनट्स के बाद का वीडियो है, और ये वी गो। लाइक अब यहाँ पे हमारा रिव्यू स्टार्ट होता है। आई जस्ट फील लाइक वेरी वेरी मच, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा था मुझे। अगर आपकी मतलब काफ़ी टायर्ड स्किन है ना, तो आपको एक बार ये वाला शीट मास्क ट्राई करना चाहिए, या फिर कोई भी अच्छा वाला।
एंड मैं ना क्या करूँगी, अपने फेस को वॉश नहीं कर रही हूँ. बहुत लोग वॉश करते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि डोंट वॉश योर फेस, जस्ट टैप अ लिटिल बिट, मसाज इट लिटिल बिट, क्योंकि ये सीरम है. तो जस्ट अपना वॉश मत करना, नहीं तो उसका जो भी क्या कहते हैं बेनिफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा. जस्ट लीव इट इन ऑन योर फेस, अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने दो आपके फेस में. और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस, एंड इट्स वेरी वेरी मच रिलैक्सिंग. बहुत अच्छा लगा. और ये वीडियो स्पीड में चल रही है, मतलब 2K स्पीड से. नाउ जस्ट मसाज योर फेस फॉर 2 to 3 minutes, एंड यू नो अच्छे से मसाज करना. मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मसाज करना. एंड यहाँ पर ना मैं कोई पिंकिश सा ग्लो मुझे फील नहीं हो रहा है एज दे रिटेन, बट या आई जस्ट फील लिटिल बट ऑफ स्टिकी स्टिकी सा, मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी. बट ग्लो की बात करें तो या इसने वर्क तो करा है, मतलब 100 रुपये के हिसाब से इंस्टेंट नहीं पता चल रहा है, बट स्टिल इसने वर्क करा है. एंड आई जस्ट फील लाइक सो मच सॉफ्ट सॉफ्ट, माई स्किन गेट सो मच सॉफ्ट, लिटिल बिट ऑफ स्टिकी, स्मेल नाइस, एंड यू नो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट फील हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा. एंड इट वर्क्स वेल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी ख़राब है, अच्छा है. यू कैन गो विद दिस, मतलब मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर आपकी ड्राई स्किन है जस्ट गो फॉर दिस. ऑयली स्किन है ना तो कोई और वेरिएंट ट्राई करो. मेरी ऑयली स्किन है मैं, यू नो, बट ठीक है, यू कैन ट्राई दिस. और यू नो अब आपको यूज़ करना है कोई भी अपना जेल और क्रैम. इसको यूज़ करने के बाद जस्ट लाइक 5-6 मिनट बाद आप यू नो अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना. आप कहोगे यार इतना सीरम तो लगाया, बट इट इज़ अ स्टेप सो यू हैव टू यू नो डू. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को यू नो ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम, एंड बाय बाय.